नमस्कार, वीडियो टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेसी नेता श्वेता ब्रह्म भट्ट प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा इलाके से बीजेपी कार्यालय कमलम तक का रोड शो किया। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में उन्होंने केसरिया पहन लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि मेरे घर वापसी है। भाजपा ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हार्दिक ने 17 मई को ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। इस्तीफे के बाद से वह लगातार भाजपा के कामों की तारीफ कर रहे थे और खुद को हिंदुत्व का समर्थक भी बता रहे थे। तभी से ही इसकी संभावना व्यक्त की जा रही कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए वीडियो टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।